हाय फ्रेंड्स, टोटल कूलिंग सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक लॉयड का आउटडोर, इसका कंप्रेसर हाई लोड ले रहा है। तो हम पहले इसका कैपेसिटर चेक करके देखेंगे। इसका जो कैपेसिटर है आप देख सकते हैं 45 एम एफ डी का है। तो हम इसमें एक 50 का कैपेसिटर लगा के इसको कंप्रेसर को रन करके देखेंगे। चलो पहले मैं आपको इसकी वायरिंग बता दूं। ये जो वायर है ये इसकी स्टार्ट है, ये रनिंग है, कॉमन है और सॉरी फेस है। देखिए दोस्तों, एक 50 MFD का नया कैपेसिटर मंगवा लिया हमने और अब हम इसे चेंज करेंगे। ये हमने कैपेसिटर चेंज कर दिया इसका। अब करना क्या है, इसे दोबारा स्टार्ट करके देखेंगे। दोबारा से अपना एम्पियर मीटर 200 पे सेट करके एक वायर पे क्लैंप कर देना और एसी को स्टार्ट करवाना है। जब तक एसी स्टार्ट हो रहा है तब तक मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको और भी एसी के ऊपर कोई विंडो चाहिए हो, लीकेज वगैरह, कई बार कंप्रेसर काम नहीं करता, कंप्रेसर कैसे फाइंड करते हैं, कंप्रेसर की रनिंग स्टार्टिंग कॉमन कैसे फाइंड करते हैं, तो इसके ऊपर भी मैं आगे एक वीडियो बनाऊँगा। अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आपको सबसे पहले पता लगे। दोस्तों जो आरएसी में फील्ड में नए हैं उनके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उनको नेसेसरी टूल्स के बारे में बताऊंगा। जब भी आप किसी एसी पे काम करने जाते हैं तो आपको कौन कौन से टूलों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो किट तैयार कीजिए, अपने टूल रखिए ताकि आपको किसी टूल्स के लिए वेट ना करना पड़े। दोस्तों देखिए हमारा एसी स्टार्ट हो चुका है, आप एम्पियर भी देख सकते हैं कितने ले रहा है अभी ये। ठीक है, अगर आपने ऐसी वीडियो चाहते हैं जिससे आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें और कम से कम वक्त में अच्छा काम कर सकें, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को फॉलो करें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।